सर जी एमएलए विराट नगर मंच पर सभी विराजमान विद्वानों सरपंचगण जिला पार्षद डेलीगेट वर्तमान सरपंच को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। सबसे पहले मैं संदीप गुर्जर को आशीर्वाद देता हूँ जिन्होंने एक देवगढ़ की गलियों से निकल करके ना और राजधानी जयपुर के अंदर जा करके ना ये छात्र संघ का चुनाव लड़ा और वहाँ विजय घोषित हुए। तो मैं इनको आशीर्वाद प्रदान इनके दादा के आशीर्वाद से और बुजुर्गों के आशीर्वाद से हमारे आशीर्वाद से ये बहुत आगे बढ़ेगा। देवसन का नाम रोशन करेगा, बांसुर का नाम रोशन करेगा। संदीप गुर्जर जिंदाबाद, 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 संदीप गुर्जर जिंदाबाद। और आज की ये आवश्यकता भी है कि हमारी तहसील में नौजवानों की जरूरत है। मैं इस तहसील में आए हुए 50 साल हो गए। मैं कि गाय रोड के किनारे सीढ़े उसमें कीड़ा चल रहे हैं। हमारा संस्कार ये है, हम हिंदू हैं, उनका संस्कार करना हमारी जिम्मेवारी है, इन सरपंचों की जिम्मेवारी है, इन जिला पार्षदों की जिम्मेवारी है और आप लोगों की जिम्मेवारी है। गायों को बचाना बहुत जरूरी है। अगर गाय खत्म हो गई, हमारी समाज गाय की सेवा करके यहाँ तक पहुंची है। गुर्जरों को गऊ का आशीर्वाद है जब गुर्जर यहाँ तक पहुंचा है। और आज हम उन गऊ माताओं को भूल गए, बहुत बुरा हाल है। राजस्थान दूध उत्पादक का प्रदेश कहलाता है। आज हमारे गरीब किसान है, किसी के पास में 5 गाय है, किसी के पास में 10 गाय है, 2-2, 4-4 मर चुकी। गरीब किसान कहाँ जाएंगे? मंत्री अगर यहाँ आ गए हो तो वो मंत्री भी सुने और ये सरकार भी सुने और इस सरकार में रहने वाले प्रतिनिधि भी सुने कि भाई गायों को बचाओ, कैसे भी करके गायों को बचाओ। ज्यादा मैं तो आपका समय नहीं लूंगा, बहुत विद्वान है यहाँ, बहुत भाषण होंगे।